अल्लाह दे नबी आखन लगे रब ओ नहीं आंदा जड़ा गरूब जाए। बाबा जी जिदू चन नू वेखिया ए चन भी गरूब होया। अल्लाह दे नबी आखन लगे ए भी रब नहीं आंदा जड़ा गरूब जाए। उतू आवाज आई इब्राहिम की पिया लबना तेरा रब मैं वा तेरा रब मैं वा तेरा खालिक मैं वा तेरा मालिक मैं। फिर अल्लाह की कसम लागो हे अल्लाह दे नबी ने अलम बुलंद किया। फिर पुतन भी तोड़ी आए फिर मुकाबला नमरूद नाल आया। फिर बाबा जी यजमा शल्ला दी तरफों आई है नमरूद कहन लगा इब्राहिम मैं अग विच साड़ी दे आगा। अल्लाह दे नबी मुस्कुरा के आखन लगे साड़ी लाए बचा लवेगा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल। सारे मिलके पढ़ लो दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मिलके सारे दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा। मिलके सारे मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा। मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा। दुनिया ते आया कोई तेरे ना मिसाल दा दुनिया ते आया। गूंज पाके मिलके कह लो दुनिया ते आया कोई तेरे ना दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। और शेर समात फरमाओ मक्के रहन वालिया तवज्जो ना बैण मक्के रहन वालिया मदीने जान वाले जिन्हों लुत्फ आया बोले सुभान अल्लाह। शेर समात करो जी मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया वे ठिटे खान वालिया नो सीने लान वालिया तेरे बाजों डिगे आनो तेरे बाजों डिगे आनो किसे नहीं संभाल ओए तेरे बाजू आए हाय हाय तेरे बाजू डिगे आनो किसे नहीं संभालना। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मिलके कह लो दुनिया ते आया ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। अल्लाह पाक दी हमद सना तू बाद दरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शाफाए महशर आकाए नामदार मदनी ताजदार हबीबे परवरदिगार शबे असरा के दुल्हा जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैका वबारक वसल्लम दे दरबार गोहरबार दे अंदर दरूदो सलाम दा हदिया दरूदो सलाम दा अकीदा दरूदो सलाम दा नजराना
पाक नबी दी पाक बारगाह दे अंदर पेश करने तो बाद इज्जत दे लायक सामीन और नाजरीन अल्लाह करीम दा करोड़ हा मरतबा शुक्र है कि उस पाक जात ने सानू सारियां नू अज दे दिन अपनी अदालत विच बैठन दी तौफीक अता फरमाई। हज़रात जी वकार अल्लाह करीम दा लख ते करोड़ हा मरतबा शुक्र है कि उस पाक जात ने सानू सारियां नू सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाई। हजरात जिस तरह के तमाम हजरात दे इलम दे अंदर है पिछले गुज़श्ता जुम्मियां तो असी हजूर दे मौजज़ात दा जिक्र कर रहे हैं। अज आप हजरात दे सामने मैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दा जिक्र करांगा ते दसांगा कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम केड़ी हस्ती है। अल्लाह दे पैगंबर ने अल्लाह दे रसूल ने कुरान पाक विचू पढ़ांगा मुस्तफा दी अहादीस विचू पेश करांगा। हजरात तुसां तवज्जो फरमानी इंशाल्लाह दिल शाद उते आबाद हो जाएगा। बड़ी तवज्जो नाल समात गुफ्तगु करनी है। दुआ करना कि अल्लाह सानू तवज्जो नाल सुन के अमल दी तौफीक अता फरमाए। गल शुरू हो गई। अल्लाह दा कुरान है तुहाडे सामने। तुसी सारे हजरात बड़ी मुहब्बत नाल टाइम दे नाल तशरीफ लैके आउंदे हो। अल्लाह करीम तमाम हाजरीन दा दूर नज़दीक तो चल के आना अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। अज गल जो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दी होनी है ते अज मैं साबित करना है कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम नू खलील बनाया क्यों है। हुण तवज्जो ना तुसी गल समात करया जे अल्लाह ने खलील बनाया क्यों है। अल्लाह फरमांदा वत्ता खज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। अल्लाह फरमांदा असां इब्राहिम अलैहि सलाम नू अपना खलील बनाया। की बनाया? सारे बोलो की बनाया? अल्लाह ने अपना खलील बनाया। हुण तवज्जो, खलील दा माना की है? खलील दा माना अल्लाह दा दोस्त। की माना? अल्लाह दा दोस्त। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू अपना दोस्त बनाया। हजरत तवज्जो फरमाए जे गल तवज्जो ना सुननी है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम नू अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। ये अल्लाह दे ओ पैगंबर ने जो कायनात अंदर आप मबूस होए ने ते हर तरफ ही जुल्म सितम सी, अंधेरा सी, हर तरफ ही जुल्म सितम दा अंधेरा सी। कोई ईमान वाला बंदा कोई नहीं सी जिहड़ा अल्लाह नू एक मन्ने, अल्लाह दी वहदानियत दा इकरार करे। हजरात बड़ी तवज्जो नाल गल समाप्त करनी है। ये अल्लाह दे पैगंबर नू अल्लाह ने नाजल फरमाया दुनिया ते कादे वास्ते नाजल फरमाया? कि मेरी तौहीद दा ऐलान कर, अपनी रिसालत दा ऐलान कर। हजरात तवज्जो फरमाया जे गल शुरू हो गई। अल्लाह दे पाक पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ये ओ नबी ते रसूल ने जिन्ना दी पुश्ते मुबारक विचू मेरा मुहम्मद सोना आया है। गल तवज्जो ना जुमले सुनने, जे दिल में सुकून ना पहुंचे मैं जिम्मेदार हाँ, तुसी तवज्जो ना करोगे फिर तुसी जिम्मेदार होगे। हजरात तवज्जो फरमाए, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम ने अपना खलील बनाया। किसी नु कलीम बनाया, किसी नु रूहुल्ला बनाया, किसी नु जबीहुल्ला बनाया, किसी नु नजीउल्ला बनाया, किसी नु सफीउल्ला बनाया। हजरात उन तवज्जो फरमानी है, हजरत इब्राहिम ने अल्लाह ने अपना खलील बनाया। और कैसी गल है यार, कैसी गल है? ये अल्लाह दा ओ पैगंबर है, अल्लाह दा ओ पैगंबर है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ते इनिया आजमाइशां लैके आए, इनिया आजमाइशां लैके आए। और ये अल्लाह दा पैगंबर ते रसूल है जिहड़ा सारिया आजमाइशां विच कामयाब हो गया है। हुण तवज्जो फरमाया जे बाबा जी, पहली क्लास विच बच्चा होवे ना, पहली क्लास विच ते ओ दूसरी क्लास विच नहीं जा सकता, पहला की करदा ओ इधर ध्यान कर। तवज्जो फरमाओ, गल सुननी जे बड़ी तवज्जो नाल। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दी अजमाइश ते इम्तिहान पढ़ रहे हैं। पहली क्लास विच बच्चा होवे ना छोटा, क्या बगैर जेड़े बंदे बाहर ने हुण बाहर ही बैठे रहो, अंदर जगह फुल हो गई है। जेड़े बंदे बाहर ने बाहर ही बैठे रहो, दरवाजा हुण कोई बंदा ना खोले। तवज्जो फरमाया जे, गल बड़ी सुनने वाली। हजरत तवज्जो फरमाओ, पहली क्लास का बच्चा होवे बगैर इम्तिहान तू दूसरी च बह जांदा? उस्ताद कहिंदा इहदा इम्तिहान लिया जाएगा, अगर इम्तिहान विचों कामयाब है तो फिर इहनूं अगली क्लास। मैं कहना कैसी गल है, पहली क्लास का बच्चा होवे तो वह इम्तिहान उहदे वास्ते जरूरी है। इम्तिहान देवेगा तो अगली क्लास विच जाएगा, इम्तिहान देवेगा तो उहदा दर्जा बुलंद होएगा। मैं कहना यह नबी ते रसूल अल्लाह के पाक पैगंबर ने, अल्लाह ने इन्हां ते भी अजमाइशां लियांदियां ने। जिहड़ा जिन्नियां अजमाइशां विच कामयाब होंदा गया अल्लाह उन्नियां क्लासां उत्ते करदा गया है। अल्लाह उन्हें दरजात बुलंद करता गया जिन्निया जमैशा आईया। हुण हजरत तवज्जो फरमाया जे, ये अल्लाह दा खलील है। वत्ता खज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, गल शुरू हो गई। कुरान बार बार कह रहा है, तवज्जो मेरे वाल रखियो जी, कुरान बार बार कह रहा है। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया वत्ता खज़ल्लाहु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह फरमांदा जिथे मेरे पैगंबर इब्राहिम के कदम लागे ने ना
उन्हें जाए मुसल्ला बना लवो। मुसल्ला आंदे ने जिथे नमाज पढ़ी जाए, जिथे मुसल्ला नमाज पढ़ी जाए, जिथे सजदा दिता जाए। अल्लाह फरमांदा जिथे इब्राहिम अलैहि सलाम दे कदम लग गए ने, अल्लाह फरमांदा की करो उन्हें जाए मुसल्ला बना लो, उथे नमाज पढ़ो, उथे नफल अदा करो। या अल्लाह वजह की है? अल्लाह फरमांदा मेरा ये ओ पैगंबर है, मैं जिड्डी वड्डी भी अजमैश दे ते लै के आए, कामयाब ही होके विखाया है। हुण हज़रात तवज्जो फरमाए जे, ये हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दी शान की है। एक मंगता आ गया, तवज्जो करिया जी। हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम दी आदत सी, मैं सीरत हज़रत इब्राहिम दे अंदर पढ़िया और कासा सुलंबिया दे अंदर हज़रत इब्राहिम दी सीरत पढ़ी है, पढ़ के तुहानू सुना रहा। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम दी आदत सी कि आप बगैर मेहमान तू खाना नहीं सन खाते। अगर मेहमान ना हो तो कोई आम बंदे भी आप नाल बिठा के खाना खवाते सन। अज जो वक्री गल है, मेहमान आ जाए तो घर वाले नाराज़ हो जाते हैं भी ये रोज़ाना ही टुरिया होंगे। लेकिन मेरे नबी का फरमान सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिस घर में मेहमान आते जाते रहते हैं अल्लाह उस घर में कभी भी रिजक में कमी नहीं लैके आएगा। जिस घर में मेहमान आए, मेहमान अल्लाह की रहमत आते हैं, जहमत नहीं आते, अल्लाह की रहमत आते हैं। हुण हज़रात तवज्जो फरमाए जी, खाना सामने रख के अल्लाह का खलील बैठा, गल शुरू हो गई, हुण तवज्जो तुसीं करनी है। खाना सामने इंतजार फरमा रहे, कोई बंदा नहीं आ रहा, थोड़ी देर इंतजार की थी, फिर कोई नहीं आ रहा, थोड़ी इंतजार की थी, फिर कोई नहीं आ रहा। हुण दिल विच गल ए वे कि कोई बंदा आवे तो मेरे नाल बवे तो खाना खावे। हज़रात तवज्जो फरमाए, थोड़ी दूर वेख्या एक मुसाफिर जा रहा, आपने आवाज़ मारी, ओ बेलिया गल तो सुन। वो नहीं सी जानता ये कौन ने, तो ना ही हज़रत इब्राहिम जानते सुन वो कौन है। तवज्जो फरमाए जी, आप फरमान लगे भुख लगी आ, उन्हें कहा जनाब लगी तो है वे। आ गल सुनियो, बंदे दे अंदर दा दिल दा सखी होना लाजमी है। कंजूस नूं अल्लाह पसंद नहीं करता, सखी अल्लाह दा दोस्त जे, सखी अल्लाह दा दोस्त है, कंजूस शैतान दा यार है। कंजूसी करके भी बंदियां दा कुछ नहीं बनता, जिनी मर्जी भी कर लैन। तो जिहड़ा सखी होंदा वह जिनी सखावत करता अल्लाह होर अता फरमा छड़दा, वह जिनी सखावत करता अल्लाह होर अता फरमा छड़दा। हज़रात तवज्जो फरमाए जे, आया भुख लगी आ, जी जनाब लगी है। फरमाया मैं भी इंतजार पर करना सा, भुख तेनों भी लगी है तो मेरा भी इंतजार खत्म हो जाएगा, चल बह के खाना ना खाइए। तवज्जो फरमाया जी, ओ बाबा जी हज़रत इब्राहिम के सामने बह गया, मैं किताब का हवाला दे के गल पे करना, सामने बह गया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने बाबा जी जदू सामने बैठा ना, आपने फरमाया शुरू करिए, आखन लगा जी करो, आपने फरमाया पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इन्नी गल की उन्होंने कहा भी ये मैनू की पढ़ा रहे हो, मैं तो ना रहमान नू जानना तो ना रहीम नू जानना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिदा माना की है कि अल्लाह दे नाम तो शुरू करो जड़ा रहमान भी है, तो बोलो रहमान भी है तो रहीम भी है। हज़रात तवज्जो फरमाया, जो ये गल की ना अल्लाह दे नाम तो, उन्हें कहा मैं तो नहीं जानता तुहाडा रहमान तो तुहाडा रहीम कौन है। आप नू गुस्सा लगा, आप फरमा लगे चल उठ, जे तू रहमान नू नहीं जानदा, रहीम नू नहीं जानदा, फिर तेरे कोल की जरूरत है कि तू इब्राहिम दे कोल बह के खाना खावे। मैं तो उस रब दे नां तू शुरू करना, चल उठ के चला जा। हुण हज़रत तवज्जो फरमा जे, ए बाबा जी जदों बंदा उठ के दौड़ी आए, अल्लाह दे नबी खाना सामने रख के बैठे, उतू जबरील आया, जबरील आ गया ना इब्राहिम जी, अल्लाह फरमांदा आज तुसी मेरे बंदे नो नाराज कर छड़िया। जिदे इन्नी गल कीती अल्लाह दा पैगंबर रखन लगा, रब्बा इन्हें तेरे नां दा इनकार कीता, इन्हें तेरे नां दा इनकार कीता। अल्लाह फरमांदा इब्राहिम है मेरा खलील, उन्हें एक बारी इनकार कीता, दोनों खाने तू उठा छड़िया, साल इनकार किया, मेरी तौहीद का इकरार नहीं किया, रिसालत तेरी का इकरार नहीं किया। अल्लाह फरमांदा मैं फिर भी देंदा गया, मैं फिर भी देंदा गया। ए बाबा जी जदों इन्नी गल सुनी अल्लाह दे पाक पैगंबर दौड़े जाके उस बंदे नू तलाश पे कर देन, जितले कोई बंदा मिले, बाबा जी जदू बंदा सामने आया है अल्लाह दे खलील ने हाथ जोड़े, हल करन लगे बेलिया नाराज नहीं हुई।
माफी दे दे। आखन लगा तुसा मैनू उठाया है, मैं नाराज कोई नहीं। आखन लगे नाराज नहीं होवी, मेरा रब आंदा है, मेरा बंदा है। जिन्हें गल की अल्लाह दे नबी दे कदमा विच डिग पिया, हाथ जोड़ के आखन लगा नबी अल्लाह जी तुहाडा रब इना करीम है, मैनू तो पता ही कोई नहीं सी। कलमा पढ़ाओ मुसलमान बना, मैनू तो पता ही नहीं सी तुहाडा रब एडा करीम, तुहाडा रब एडा रहीम है। हजरात तवज्जो फरमाया जे, गल बड़ी सुनने वाली। उन्हें कलमा पढ़ ले, वेख्या की अखलाक, की वेख्या अखलाक। अज सगा भरा सगे भरा ना बह के रोटी नहीं खाता, ना मिंबर ते बह के गल पे करना। अज उस्ताद शगीर्द ना बह के रोटी नहीं खाता, वह अपनी तुहीन समझदा। वह कहता मैं उस्ताद हाँ, शगीर्द कहता तुम उत्थे बह के खाओ ना जरा जमीन ते, तो मैं कुर्सी ते टेबल ते रख के खाना। तेरा कदा कलमा है, तू कदा मुसलमान है, तेरे ते अंदर आकड़ ही बड़ी है, तेरे ते अंदर गरूर ही बड़ा। तू अपने शगिर्द नाल बह के खाना नहीं खा सकता, तू गरीब भरा नाल बह के खाना नहीं सिखा सकता। रब्बे काबा की कसम अल्लाह दे नबी, वेख एक छोटी जी मिस्टेक है। अल्लाह ने फरमाया जा उन लब ते लब के उहदे कोल, उहनूं कह नाराज़ ना होवीं। ते जदों ये गल कीती तू उहने वेख्या तो इहनां दा रब एडा करीम एडा रहीम है कि बंदा उहदा इनकार करे ते फिर भी प्यार करदा है। बंदा उहदी तौहीद दा इनकार करे और रब फिर भी प्यार करता है। हजरात तवज्जो फरमाया जी, जुमले बड़े सुनने वाले ने। रब्बे काबा की कसम गल मुक जानी, बेस खोलो थोड़ी, जुमले सुनिया जे। वत्तखज़ अल्लाहु मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह फरमांदा जिथे इब्राहिम के कदम लगे ने। हजरत इब्राहिम की पहली बीवी का ना है हजरत सायरा, इलमी गल ने तवज्जो ना सुनिया जे। की है हजरत सायरा, 86 साल तक हजरत इब्राहिम की औलाद नहीं हुई। किन्ने साल तक? जुमले तवज्जो नाल सुनने जे, इलम वाली गल है, इन्हू दिल ते लिख के लैके जाए। 86 साल तक हजरत इब्राहिम की औलाद नहीं हुई। हुण जुमले सुनिया जे, औलाद कोई नहीं, पहली बीवी हजरत सायरा। ये हजरत सायरा बीवी किवें बनी है तवज्जो फरमाया जी। आप सफर करते करते मुल्कां दे आ रहे ने अल्लाह की रजा वास्ते। एक बादशाह की बेटी सी, तो अपने वास्ते रिश्ता तलाश कर रही थी, क्योंकि मैं ऐसा लड़का लभे जिन्हों मैं अपने निकाह विच लै के आवां। हजरत इब्राहिम सफर करते करते उस मुल्क का सफर करते करते जा रहे, रस्ते विच वेख्या रश पिया, पूछा गल की। उन्हें कहा जी मलका बादशाह की बेटी है, तो अपने वास्ते खामन तलाश भी कर दी, कोई अच्छा होवे, नेक होवे, खूबसूरत होवे। हुण तवज्जो फरमाया, हजरत इब्राहिम उत्थे जाके खड़े हो गए। उस बादशाह की बेटी की नज़र पै गई हजरत इब्राहिम की। इब्राहिम अलैहि सलाम ते नजर पै गई, जाके उन्हें बाबे नूं आखिया मैं ऐसे मर्द नाल शादी करनी, ऐसे खामद नाल शादी करनी, ऐसे मर्द नाल शादी करनी। हजरत तवज्जो फरमाए, बादशाह ने पूछा, उन्हें कहा जी मैं तो मुसाफिर हाँ, अल्लाह के रस्ते च निकलिया। उन्हें अपनी बेटी ने कहा ये मुसाफिर है, कोई और बंदा तलाश कर, ये ना तू शादी करनी है। उन्हें कहा नहीं बाबा मैं ये ना ही शादी करनी है। जो इन्नी गल की उन्हें कहा मुसाफिर है, गल कर लै, वेख लै फिर एक बार, तू बादशाह की बेटी है। तवज्जो फरमाया जे, बाबा जी जो निकाह हो गया ना, मेरे वाल वेखो निकाह हो गया, तो दे बाप ने पूछा बेटी ने भी तेनू कि चीज ने मुतासर किया इस मुसाफर दे। उन्हें आख्या मैं बाबा की दसा, मैं जो ये कोल वेख्या ना, कोल हो के पेशानी बच एक नूर निकल रहा है, और नूर पता किता सी, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर सी, जेड़ा पेशानी विचों निकल रहा, जेड़ा पेशानी विचों निकल रहा वह नूर सी। ये शादी हो गई, जदों पता चलिया उहदे बाप नूं कि मेरी बेटी भी उहदा कलमा पढ़ गई, उन्हें कहा या मैनू रख दे या अपने खामद नूं रख। तवज्जो फरमाए, हजरत सायरा हजरत इब्राहिम कोल आईआं, आख लगियां मैं अपना बाप छड्डन लगियां, बादशाही छड्डन लगियां, दसो मेरे नाल की सलूक करोगे। हजरत इब्राहिम फरमान लगे जिवें तू कहेंगी उंज ही करांगे। ये वादा किया उत्थे, अगे वेखो वादा कितने पूरा होया, ए जो वादा किया ना उत्थे हजरत सायरा नाल कि जिवें तू कहेंगी इनकार नहीं होगा, उंज ही होगा। हजरत तवज्जो फरमाया जी, जो ये गल की ना, हुण जुमले सुनिया जे। ए अल्लाह दा पाक पैगंबर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, जेड़े बाबा जी सुबह भी रो रो के दुआवा करते ने, रात भी रो रो के दुआवा करते ने, आंदे ने रब्बा मेरी औलाद कोई नहीं, रब्बा मेरा पुत्री कोई नहीं, रब्बी हबली मिल्लत वलिया।
जिन्हें सूरज वेखिया दिल विच इरादा कीता मेरा रब सूरज गरूब हो गया है। अल्लाह दे नबी आखन लगे रब ओ नहीं आता जड़ा गरूब हो जाए। बाबा जी जिदू चन वेखिया चन भी गरूब होया है। अल्लाह दे नबी आखन लगे ए भी रब नहीं आता जड़ा गरूब हो जाए। उतु आवाज आई इब्राहिम की पिया लबना है तेरा रब मैं तेरा रब मैं तेरा खालिक मैं तेरा मालिक मैं। फिर अल्लाह की कसम लागो हे अल्लाह दे नबी ने अलम बुलंद कीता है फिर पुतन भी तोड़िया है फिर मुकाबला नमरूद नाल आया है फिर बाबा जी अजमाइश अल्लाह की तरफों आई है। नमरूद कह लगा इब्राहिम मैं अभी भी जी साड़ी दिया गा। अल्लाह दे नबी मुस्कुरा के आखन लगे साड़ी लै पूछा लवेगा साड़ के वेख मेरा रब बचा लवेगा तू साड़ के वेख ढिल ला के वे। ओए मुसलमान भाइयो जुमले सुनिया रे हे चीखा तैयार हो गई हे अग तैयार हो गई ओए लोग पालन पे सुट दे आग जनाबी वाला छोले भी सुट दी है हे अग तैयार हो गई हे किन्ने महीने ला के अग तैयार की दी है। अल्लाह दे नबी परेशान नहीं होए हे लोग पूछन लगे परेशान नहीं होते फरमाया परेशान होवे जिदा होर कोई नहीं मेरे नाल अल्लाह मेरे नाल अल्लाह है मेरे नाल खलील खलीला होए मेरे नाल मेरा खाली गए हे बाबा जी जदू अग तैयार होई हे जदू अग तैयार होई जुमले दर्दे दिल ना सुनिया ने कई मील तक भी बरिंदा आंदा है जल की अग विच डिग जांदा है एडी गरमैश एडी हीट। अल्लाह दे नबी सामने खड़े ने नमरूद ते ओदे साथी खड़े ने आखन लगे सुटो अग विच हे बाबा जी जदों मंजीक विच हल्लत दे नबी बैठे ने अकल आ गई इश्क आ गया। जुमले तवज्जो नाल सुनिया जे अकल आ गई इश्क आ गया अकल आखन लगी इब्राहिम साड़ी जावेगा इश्क आखन लगा साड़ी जा मर जा यार नू राजी कर जा साड़ी जा मर जा भाई यार नू राजी कर जा। हे अल्लाह दे नबी मंजीक अंदर बैठे ने जदों बजापे वाला अग विच सुटन लगे ने हे उतू आवाज आई फरिश्ते आ गए जबरील आया है हवा दा फरिश्ता आया है अग दा फरिश्ता आया है आके आखन लगे इब्राहिम मदद करो ना। अल्लाह दे नबी आखन लगे ना ना मैं ओदा खलीला हुण तवज्जो फरमाओ कोई बंदा मुसीबत विच होवे मुश्किल विच होवे तो कोई मुसीबत दूर करने वाला होवे तो बंदे नूं खुशी आउंदी है कोई कोई बंदा आ गया मैनूं बचाएगा। अल्लाह दे नबी अग विच जा रहे ने जुमले सुणिया जे कित्थे जा रहे ने अग विच जा रहे ने फरिश्ते आए ने हवा दा फरिश्ता आर्डर करो जी ऐसी हवा चलाने अग बुझा छड़ने बारिश दा फरिश्ता आया हुणे ही आर्डर करो इत्थे ही बारिश पाने फरमाया तुहाडी लोड़ ही नहीं आए हाए जुमले अंदरों सुनने तुहाडी लोड़ ही नहीं फरमाया किहदी लोड़ है फरमाया अपने रब की लोड़ है। ईमान वेखो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह दा कसम खुदा दी इंतहा मुक जाती इत्थे ईमान वेखो अग विच जा रहे ने लेकिन रब नूं कह रहे ने मैं तेरा खलील हाँ तू मेरा रब है। उतों आवाज़ आई रब आ फरमाया फिर तू ही जे चाहेगा बच जावेंगे जे ना चाहेंगा तो फिर टुर जावेंगे। तो पंजाबी दे शहर की रूह तड़पी ते तर्जमानी पेश करके पंजाबी दा शहर की आंदा क्या पेश करो तुझको क्या पेश करो तुझको क्या चीज हमारी
भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है, सारे मिलके आखो ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। अल्लाह दे नबी खलील उल्लाह अगे विच जा रहे हैं, हे जनाबे वाला फरिश्ते वापस चले गए। अल्लाह फरमांदा की अंदाज है, जबरील आंदा या अल्लाह ओ सानू नहीं चाहता, ओ तेरी रजा पिया मंगदा, तेरी रजा ते राजी या अल्लाह जी, मैं तू राजी। हुण तवज्जो फरमाए, ये अग विच ते सुट दिता, कुरान सामने, कुरान गवाही दे रहा, अग विच सुट दिता। जदों अल्लाह दे नबी अग विच गए ना, बाहर जिहड़े बंदे खलोते सन उन्हां नूं अग नजर आ रही सी, हाय हाय। जदों अल्लाह दे नबी अग दे विचकार पहुंचे ने ना, अल्लाह ने फरमाया जबरील आ, या अल्लाह की करां। अल्लाह फरमांदा मेरे नबी दे पहुंचण तों पहलां पहलां जन्नत विचों इक तख्त लै जा। ये कुरान की तफसीर दस दिया ने, अल्लाह के नबी वास्ते तख्त लगा अग विच। किन्ने दिन अग विच रहे सन? 40 दिन। जिन्हों पता वो बोलिया करो, जिन्हों गल का पता हो ना वो बोलिया करो, इलम विच इजाफा होंदा, शरमाई दा नहीं। जिस गल का पता हो परिया विच भी बोली दा, पंचायत विच भी बोली दा, बोलन वाला बंदा जिहड़ा ना वो कामयाब है। तवज्जो फरमाया, किन्ने दिन रहे? 40 दिन अग विच रहे। तवज्जो फरमाया, ये अग विच अल्लाह के नबी की करते रहे? हुण कुरान पढ़ा फिर कि अग नूं अल्लाह ने हुक्म किवें दिता। अगर फरिश्ते आउंदे तो एक ने बारिश बरसानी सी, अगर आउंदा तो उन्हें हवा चलानी सी। फरमाया लोड़ ही नहीं तुहाडी, वो आर्डर करे। कौन आर्डर करे? रब आर्डर करे। फिर की होएगा? फिर अल्लाह ने आर्डर किवें कीता, आओ मैं हुण कुरान पेश कर लगा। हजरात तवज्जो फरमाया जी, ते अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमांदा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमांदा ठंडी हो जा। अग ने अर्ज की, अल्लाह किन्नी की ठंडी हो जा। अल्लाह फरमांदा इन्नी ठंडी ना आवी मेरे यार नूं सर्दी लग जाए, या अल्लाह किड्डी ठंडी हो जा। अल्लाह फरमांदा सलामन अला इब्राहिम, अल्लाह फरमांदा इन्नी की ठंडी हो जाए, इन्नी की ठंडी हो जाए, ओए मेरे यार नूं गर्मी भी ना लगे, सर्दी भी सर्दी ना लगे। हजरा जुमले सुनिया रे, हे अल्लाह दा नबी तखत बह गया है, हे मैं किताबा अंदर पढ़ी आए, हे नमरूद महल तो नमरूद की बेटी है, जड़ी हजरत इब्राहिम नल मोहब्बत कर दी है, हजरत इब्राहिम नल प्यार कर दी है। हे बाबा जी जदों ने इश्क दी नगाह नल वेखिया है, ओए आखन लगी बाबा नमरूद तुसा अग विच सुंगिया है, मैनू इंज पिया लगता है जिमें ओदा यार तखत बैठा होया है। आके हूरा पखी पिया चोल दिया ने, नाले इब्राहिम ते सलाम पिया पढ़ दिया ने, नाले आंदिया ने डोली ना रब तेरे नाल, हे डोली ना रब तेरे नाल। मन जुमले सुनिया रे, हे अल्लाह दा पाक पैगंबर है, हे अल्लाह दा नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिन्हों रब ने खलील बनाया है, हे जिन्हों रब ने खलील बनाया है। मैं खा रब्बा बड़ा प्यार कीता आई, हे रब्बा इब्राहिम नाल बड़ी मोहब्बत कीती आ, हो तू आवाज आई मौलवी ये प्यार किवें ना करदा, इहदी पुश्त विच असां अपने यार दा नूर रखिया, असाएं अपने यार का नूर रखिया है, असाएं अपने मोहम्मद का नूर रखिया है। आओ अजीज अरमन जुमले सुनिया रे, हे अल्लाह दा ओ नबी है, हे काबा बनान वाला इब्राहिम, हे काबा बनान वाला इब्राहिम। आओ मुसलमाना काबा बनान वाला इब्राहिम, जुमले सुनिया रे, हे काबा बनान वाला
काबा वसाण वाला मेरा नबी है, करदे दिल काबा वसाण वाला मुहम्मद है, काबे दी दीवारां बनाण वाला खलीलुल्लाह है, काबे विच रब रब कराण वाला हबीबुल्लाह है। जी जी जुमले सुन यार, हे अल्लाह दा ओ नबी जिदी पिशानी विच, जिदी पिशानी विच किसी आखिया इब्राहिम सड़िया नहीं, उतू आवाज आई असी सड़न नहीं देंदे, हे मुहम्मद दी अमानत है, हे मुहम्मद दा नूर लेके बैठा है, ओए असी मुहम्मद नाल भी प्यार करने आ, ओदे अमानतदार नाल भी प्यार करने आ। अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अग विच भी महफूज रहे, अग विच भी तौहीद दा ऐलान कीता, अल्लाह दे इक होण दा ऐलान कीता। और हजरत इब्राहिम दा बड़ा जिक्र है कुरान पाक अंदर, तवज्जो फरमाया जी। जेहड़े बंदे उमरा करके आए हो, हज करके आए हो, इस चीज़ नूं जानदे हो कि तवाफ करन तों बाद, बाबा जी तवाफ करन तों बाद दो नफल पढ़े जांदे ने मकामे इब्राहिम दे सामने, तवज्जो फरमाया जी। कई बंदे दो नफल खतीमे काबा च भी पढ़ते हैं तो उत्थे भी पढ़ते हैं, दोवें जगह से पढ़ लो तो कोई हर्ज कोई नहीं, लेकिन मकामे इब्राहिम ते पढ़ना क्यों जरूरी है कि क्योंकि कुरान गवाही दे रहा है। आए हाय हाय उची बोलिया जी, जरा सुबहान अल्लाह, जाके बया जी, कुरान गवाही दे रहा, अल्लाह फरमांदा बनाओ, तवज्जो करे जी। बाबा जी काबा तो इधर है, आ मेरे वाल तक, काबा तो इधर है, मकामे इब्राहिम एक साइड ते वे, अल्लाह फरमांदा ए दे वाल मुँह करके नमाज पढ़ो, शिरक नहीं होया, बोलो मसला समझान लगा ना, तवज्जो फरमाया जी। शरीयत दा मसला, मसलक दा मसला, तवज्जो फरमाया, शिरक नहीं। अल्लाह ताला नूं तो चाहिए सी, अल्लाह ताला कहंदे कि काबा जी तुहाडे सामने वे, तो फिर उधर क्यों मुँह करना जे, उत्थे की रखिया जे, वह अल्लाह दा घर तुहाडे सामने वे, इधर मुँह करो, इधर सजदे दियो। अल्लाह फरमांदा वत्तखज़ अल्लाहु मिन मकामि इब्राहीम मुसल्ला, मौलवी ना मन तो वखरी गल है, कुरान तो साबित कर गया है। आए हाय हाय, कुरान तो साबित कर गया, ना हो जड़ी मर्जी तफसीर तर्जमा लैके आओ, ये फकीर वखान तैयार है। मैं क्या रब्बा शिरक नहीं होया, अल्लाह फरमांदा ना ना, मैं क्या या अल्लाह मौलवियां शोर पाया शिरक शिरक, या अल्लाह तेरा काबा सामने में, या अल्लाह काबे नू छड़ा के मकामे इब्राहिम ते सजदे करवाना है, सजदे करवाना है, सजदे करवाना है। फरमाया चल ओए ने, इन्हां नू पता ही कोई नहीं, जे फरिश्ते आदम नू सजदा करे शिरक नहीं आता, या अल्लाह वजह की है। फरमाया ओ सजदा आदम नू नहीं, ओ सजदा खुदा दी जात नू है, ए सजदा इब्राहिम दे कदमां नू नहीं, इब्राहिम दे खुदा नू है। जिन्हें समझ लगी गल ओहदे नाल, फरिश्तिया सजदा किया हजरत आदम नू कोई नहीं, जिन्हों पता बोलो। ये किसी मौलवी की गल नहीं, किसी पीर की कुरान कह रहे हैं, सजदा किया वह हजरत आदम नू सजदा नहीं सी, तुसी तफसीर पढ़ के वेखो, असा सिर्फ इन्ना सुनया कि सजदा होया, वह सजदा खुदा की जात नू है। मेरे वाल वेखो जी, मैं मसला समझान लगा। बाबा जी एक बंदा बिल्डिंग बनाता, मिस्त्री बिल्डिंग तैयार करता है, जो बिल्डिंग बन जाती वह इफ्तिताह होता, लोग आते हैं वेंदे ने, कोई दीवार वेंदा है, कोई फर्श वेंदा है, कोई कोई चीज़ वेंदा है, तो बाबा जी जेड़ा वेंदा खूबसूरत बनी हो, तो लोग आते हैं बड़ी सोहनी बनी है, की आते हैं, हूँ मसला सुनियो, मैं मिसाल दे रहा, बड़ी सोहनी तैयार हुई वह दीवार वेखो जी, माशाल्लाह कि सोहनी दीवार है, एक सूत्र भी जेड़ा फर्क नहीं है। बाबा जी वो मकान की तारीफ कर रहे हैं, समझदार बंदे जेड़े बादशाहूर पढ़े लिखे बंदे बैठे, तो जो फरमाया जी वो जेड़े मकान की तारीफ कर रहे हैं, वो असल में किसकी तारीफ हो रही है, बोलो, सोची ना पिया करो, मसले में समझिया करो, भी मौलवी साहब जेड़ा मसला बयान कर रहे, कोई बाहर पूछ ले तो फिर सानू पता नहीं लगता, असं आने कल मौलवी मसीद मौलवी ने जाके पूछांगे भाई कारी साहब हाफ़ जी यह मसला सानू आ गया, तारीफ तो हो रही है मकान की, तारीफ तो हो रही है कंध की, तारीफ तो हो रही है टैलों की, हर बंदा कहेगा उन्हें कहेगा कि यह तारीफ ए दी नहीं हो रही, असल में बनाने वाले मुमार दी हो रही है, जिन्हें ये मकान बनाया, जिन्हें दीवार बनाई है, यही तो दसना चाहना, वह सजदा आदम नहीं सी, आदम के बनाने वाले। आए
अजे भी बंदे सोची पे कई उतू की गल लंघ गई वह सजदा हजरत आदम नू नहीं सी। शिरक ना समझो एवं शिरक के फतवे ना लाई जाओ सुनिया से फिर उत्थे भी डको लोगों भी इधर मकामे इब्राहिम तो इतने अच्छा मकामे इब्राहिम है की है भी समझो मसला सुन मकामे इब्राहिम बाबा जी उत्थे हजरत इब्राहिम के कदम लगे नो पत्थर की है बोलो बोलो नौजवानों की है जाके सुने जा। उत्थे पत्थर है उत्थे अल्लाह के नबी के कदम लगे ने अच्छा जिथे अल्लाह के नबी के कदम लगे ने अल्लाह फरमांदा सजदा कर या अल्लाह पत्थर नू तो नहीं हो रहा या अल्लाह उत्थे बुत नू पूजिए तो ना काफर है इत्थे पत्थर नू सजदे करवाना है या अल्लाह ये पत्थर नू तो नहीं हो रहा अल्लाह फरमांदा ओ पत्थर हो रहे ये पत्थर हो रहे क्या बात है ओ पत्थर हो रहे ये पत्थर। अच्छा एक होर मसला समझो जी बाशऊर बंदे बैठे हो इलम की गल सुनियो इहदा फायदा होंदा इलम की गल का नुकते की गल का बंदे नू बड़ा फायदा होंदा है। बाबा जी जिहड़ा बुत बनाया गया हिंदुआ ने बुत बनाए ने वह भी पत्थर दे ना गारे तो पत्थर दे ना इटा दे पत्थर दे बाबा जी ओदे सामने सजदा करिए तो बंदा काफिर हो जाता है तो काबा कादा बनया बोलो जेडे समझ रहे हो ऐजरा औखी है तकरीर लेकिन इन समझियो बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहनत की है तो जाया ना हो जाए काबा कादा बनया जी बुत कादा बनया एदी दीवार भी काबे ना बनी है बुत का मूँह भी जनाबे वाला पत्थर ना बनया काबे की दीवार भी पत्थर ना बनी है उत्थे आंदा उहदे कोल सजदा नहीं जे करना इत्थे दीवारां नूं सजदे पिया करांदा वो कोई समझो तो सही यार साढ़े सुनी बड़े ढिले ने जदों कोई काम की गल उदों नहीं सुननी तो बाहर जाके फिर वो परेशान हो जाते सानू तो पता ही नहीं लगा मौलवी रां कड़ी गल कर छी सानू तो पता ही नहीं लगा तवज्जो फरमाया जी बाबा जी उत्थे भी पत्थर है उस पत्थर ना बुत बनया उस पत्थर ना काबे की दीवार बनी काबे की दीवारां पत्थर नाल बनिया ने गारे नाल बनिया ने जाके वेख लवो नहीं यकीन दे बाबा जी उत्थे भी पत्थर है इत्थे भी पत्थर है मैं कहा या अल्लाह उत्थे सजदा करिए अन्ना काफर हो गए हो इत्थे आप सजदे करवाना है पूरी दुनिया तो लोग मंगाना है मैं कहा या अल्लाह गल समझ विच नहीं आई या अल्लाह ओ भी पत्थर या अल्लाह ये भी पत्थर हुण जुमले सुनिया जे या अल्लाह ओ भी बनया या अल्लाह ये भी बनया या अल्लाह ओ भी पत्थर या अल्लाह काबा भी पत्थरां दा बनया या अल्लाह एक कोठा बना के आना सजदे बह जाओ इहदे सामने सजदे करो या अल्लाह उस पत्थर नू पूजिए काफर होने इस पत्थरां दे सामने सजदे करिए ईमान वाले होने अल्लाह ने फरमाया कलो नहीं ओ पत्थर पत्थर होरने या अल्लाह वजह की ये तवज्जो फरमाया जे मुसलमान भाइयो अल्लाह ने फरमाया यो पत्थर आवे जेड़ा मेरे मुकाबले विच आया है जेड़ा अल्लाह दे मुकाबले विच बनया है अल्लाह फरमांदा है ओ कुफर विच बनया है ओ पलीदगी विच बनया है या अल्लाह एदा की मामला है अल्लाह फरमांदा है हे ते ए भी पत्थर पर इनो बनाण वाला भी पा के सजान वाला भी पाके हुन अल्लाह दी कसम है जुमले जाया ना करे यार हे बाबा जी गल पत्थरां दी नहीं आंदी हे बाबा जी गल कपड़ियां दी नहीं आंदी हे बाबा जी गल दीवारां दी नहीं आंदी हे गल निस्बत दी आंदी है हे गल निस्बत दी आंदी है कायनात आले ओए पत्थरां दा बणिया काबा ओदी निस्बत रब नाल हो गई है अल्लाह सजदे करवांदा है मैं कहा मौलवी जी ये मकाम इब्राहिम भी पत्थर है पर ए ओ पत्थर नहीं एदी निस्बत इब्राहिम दे कदमां नाल हो ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵੇਖੋ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਿਆਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਤਖਜ਼ ਅੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਮਕਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੁਸੱਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ 86 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ 60 ਸਾਲ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ 60 ਸਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦੇ हजरत सायरा विच औलाद ना हुई हुण जुमले सुनया जे हजरत सायरा ने इजाजत दिती कि मेरे कोल काम कर दी है तो तुसी इहदे नाल लखदे निकाह कर लो की ना सी हजरत हाजरा की ना सी हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैह हुण तवज्जो फरमाया जे बीवी ने हुक्म दिता मैं थोड़ी पिछे जाओ ना थोड़ी 10-15 मिनट पिछे जाओ मैं तुहानू कहा सी कि हजरत इब्राहिम ने एक वादा किया शायद गौर नहीं सी किया मैं तुहानू कहा मैं अगे जा के साबित करना है
कि जिमें तू कमेंगी उंज होगा, जिमें तू कमेंगी। उन्होंने कहा जी तुम शादी कर लवो, हजरत इब्राहिम ने शादी कर ली, जिदे क्या वाल की थी। उन्हें कोई रब का मामला वेखिया जी, जिदे क्या वो ही शादी की थी। शादी हो गई, हजरत हाजरा की उम्र पता किन्नी सी? हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 22 साल सी। तवज्जो फरमायो किन्नी सी? एक रवायत अंदर आंदा 20 साल, एक रवायत अंदर आंदा 22 साल। हुण हजरात तवज्जो फरमाया जी, गल बड़ी सुनने वाली ऐ, हुण गल बड़ी सुनने वाली, इधर तवज्जो करो, कोई गर्मी कुछ नहीं कहती, गल सुनो। दो चार मिनट रह गए ने, फिर अपने अपने घाट उड़ जाने। जुमले सुनया जी, गल बड़ी सुनने वाली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की गल बड़ी वड्डी हो रही है ना, कुरान पर पढ़ना, किसी होर की गल नहीं करता भाई, तवज्जो उधर हो जाए, गल बड़ी वड्डी है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दूसरी शादी की थी, बीवी की उम्र किन्नी है? 22 साल। किन्नी उम्र? दुआ की थी, या अल्लाह पुत्र दे, अल्लाह ने फरमाया दे छड़िया। हजरत इस्माइल अलैहि सलाम, ये हजरत हाजरा के बेटे ने, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम। हजरत सायरा की औलाद कोई नहीं सी, आप की उम्र 80 साल हो गई हजरत सायरा की, एक रवायत अंदर आंदा 90 साल हो गई, मुख्तलिफ रवायात ने उम्र हो गई। हुण वेखो ना, सैंस कीवी का पुत्र होवे जी ते एक ही होवे ते 60 साल दुआवां नाल मंग मंग के लिया होवे ते फिर पुत्र जी बाप दे सामने आवे, बाप नूं प्यार ते हुंदा है ना, बाप नूं मुहब्बत ते हुंदी है ना। बाबा जी एवें ते नहीं किसी आखियां सिख पुत्रां दी, कदी इस्माइल दे हाथी जमदे, कदी पुत्र दे लबी छमदे। हजरात वजो फरमाया ने, हे अल्लाह दे नबी पुत्र नाल प्यार पे कर दे। हजरत सायरा उतू आईया ने, आके वेखिया बाप पुत्र नाल प्यार पिया करदा है। ये ते हाजरा दी औलाद है, मेरी दी औलाद ही कोई नहीं। अल्लाह दे नबी दी बीवी नू गुस्सा आया है, जिदा नाम जनाबे सायरा सलामुल्लाह अलैह। अल्लाह दे नबी दी बीवी गुस्से नाल आई है, आके आखन लगी इब्राहिम या मैनू रखना ई या इना नू रखना ई। हजरत इब्राहिम गमगीन होए ने, फिर वादा याद आया है, मैं इहदे नाल वादा कीता सी जिवें कमेंगी कर लवांगे। हे अल्लाह दी कसम लोगो जुमले रुला देंदे ने, हे अल्लाह दे नबी ने पुत्र नू गोद विच चुकिया है। अर्ज कीती रब्बा की करा, हे सायरा भी आंदी है हाजरा भी ला जा, हे इस्माइल भी लै जा, हे मेरिया नजर तू ओझल कर दे, हे मेरिया नजर तू दूर कर दे। अल्लाह दी कसम लोगो जुमले रुलांदे ने, हे पुत्र भी इको ही होवे ते पुत्र भी 60 साल दियां दुआवां नाल मिलिया होवे। हे दसो बाप दा सीना की कीता होएगा, हे बाप नूं किन्ना दुख होया होएगा। हर्ज कीती रब्बा की करा, तू आवाज इब्राहिम जिवें सारा आंदी आयो जी कर जा, या अल्लाह किथे छड़ के आवां, या अल्लाह किहड़ी जगह ते छड़ के आवां। अल्लाह ने जबरील नूं भेजिया, जुमले सुनिया जे पहली बारी सुनोगे, अल्लाह जबरील नूं भेजिया, जबरील निशानी शक्ल विच आया है। अल्लाह फरमाया इब्राहिम उठनी ते तैयार हो के बह जा, अपनी बीवी भी बैठा लै, इस्माइल भी बैठा लै, या अल्लाह जाना किथे। अल्लाह ने जबरील नूं आखिया, जबरील ओए मेरे नबी दी उठनी दी लगाम फड़ लै। अल्लाह फरमांदा इब्राहिम जिथे जबरील आखे उथे छड़ के वापस आ जा। मुसलमान भाइयों जुमले सुनिया ने, हे अल्लाह दे नबी ने अर्ज कीती असलम तो रब्बिल आलमीन, या अल्लाह जिवें तू राजी है उंज इब्राहिम राजी है।
बड़ा वड्डा मरहला जी। ए तकरीर मेरी सौखी है करनी, थोड़ी सुननी सौखी। एक ही पुत्र होवे, प्यो नूं आखो इहनूं आ कब्रस्तान दे परां छड्ड के आ जा, किसे नूं आखो। मैं तां कह रहा मेरी तकरीर सौखी है, तुहाडा सुनना सौखा है। बंदे गहराई तक नहीं जाते भी गल की गहराई की, इहदी वजह की कि एक ही पुत्र होवे ते होवे भी एडा सोहना इस्माइल। अल्लाह फरमांदा इहनूं लै जा। या अल्लाह की करा, अल्लाह फरमांदा सायरा की गल मन अपनी बीवी की, जिवें कहंदी है कर। तवज्जो फरमाए, जबरील आके अगू लगाम फड़ी है उस ऊंठनी दी जिथे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम जिस ऊंठनी ते बैठे ने, हजरत इब्राहिम बैठे ने। एक ही ऊंठनी सी, तवज्जो फरमाए, लगाम फड़ के जा रहे ने। ये चले पता कितों सन? फलस्तीन विचों। मैं तां कहना वा कि गल तवज्जो नाल सुनिया करो, फलस्तीन विचों चले ने। एक बाप है, एक पुत्र है, एक बीवी है। गल तवज्जो नाल सुनी, जाया नहीं करनी। ये हजरत इस्माइल अलैहि सलाम नूं लैके हजरत इब्राहिम टुर पे टुरदे जा रहे ने। हजरत जनाबे वाला जबरील अमीन ने लगाम फड़ी। ये फलस्तीन तो सफ़र करते करते वादी मना विच आ गए। किथे आ गए? वादी मना, मक्का शरीफ आ गए। वादी बतहा गया जाता सी, वादी मना उथे आ गए। बाबा जी जिस टाइम ये 3-4 हज़ार साल पहलां दी गल सुना रहे, तकरीबन 4 हज़ार साल पहलां दी गल तुहानूं सुना रहा जी। 4 हज़ार साल गुजर गए ने, नबियां दा जिक्र अज भी जिंदा है। हाँ जे उन्होंने जिक्र मरदा नहीं, मौलवी मिम्बरां ते बयान करते हैं। कसम खुदा दी, ये अगू वड्डी ईद होने वाली है। अगला जुमला जुमा इंशाला हजरत इस्माइल ते कुरबानी ते पढ़ाना है। हुण जुमले सुनिया जे ते फिर पता लगे कि अल्लाह के नबी कौन ने। हज़रत इब्राहिम वो जिन्हां ते अज भी नमाज में दरूद पढ़िया जा रहा है, अज भी दरूद इब्राहिम नमाज में पढ़िया जा रहा। बंदियां नूं पता ही नहीं भी पढ़िया क्यों जाता, उसकी गहराई तक नहीं जाते। तो जेड़े जाते उन्होंने पता लगता है। तवज्जो फरमाया, कुरबानियां बड़िया दित्तियां ने इस नबी ने, अल्लाह की रजा वास्ते बड़ी वड्डी कुरबानी सी। तैयार होकर टुर पे जनाब, वादी मना पहुंचे, काले पहाड़ मक्के दे। तवज्जो फरमाओ, काले पहाड़, कोई रिहायश नहीं, कोई बंदा बशर नहीं, कोई जानवर नहीं। एक दरख्त सी खजूर का, तवज्जो फरमाया जी, उहदे थले बिठा के ना मेरे वल वेखो। हजरत जबरील अमीन आंदे ने, या नबी अल्लाह इत्थे ही ठहरना, इत्थे ही ठहरना, अपनी बीवी नूं अपने बच्चे नूं इत्थे ही उत्थे थले ला के ना। तो बाबा जी कोई गल नहीं कीती, हाय हाय, कदी अंदाजा लायो, कोई गल नहीं कीती ना बीवी नाल ना बच्चे, ना बच्चे तो छोटे सन हजरत इस्माइल अलैहि सलाम गोद विच उठाया सी, कोई गल ही नहीं कीती। टुर पे जबरील भी नाल टुर पिया, तो टुरदे जा रहे ने, टुरदे जा रहे ने। हजरत हाजरा ना पिछे पिछे दौड़ दियां ने, तो दौड़ के आंदियां ने, सानू दसो तो सही, कितने सहारे छड़ के चले गए थे। इत्थे ते ना पानी है, ना खुराक है, ना कोई बशर है, ये काले पहाड़ ते जनाब बिया बान इलाका से हरा, कितने सहारे। हजरत इब्राहिम ने बोले, टुरी जा रहे ने, टुरी जा रहे ने। 3 मील का सफ़र किया, हुण तवज्जो फरमाया जे, 3 मील का सफ़र किया। जो 3 मील का सफ़र किया ना, हजरत हाजरा भी एक नबी की बीवी सन, आख्या मेरा खावंद बोलता नहीं पिया। एक जुमला जुबान चु आख्या, अर्ज कर लगियां, एक कितले तुहाडे रब दा हुक्म ते नहीं आए। हाय, बीवी सियाणी होवे ते समझ जांदी कि मेरे खावंद दा की मूड है, गल ही नहीं कर रहे। इंज परेशान होकर टुरी जा रहे कि रब दा आर्डर सी ना, वेखना नहीं पिछे मुड़ गए, वेखना नहीं पिछे मुड़ गए। हुसैन एवं नहीं सर कुरबान कर छड़िया, उत्थे भी इम्तिहान सी करबला दे विच, रब्बे काबा दी कसम, इम्तिहान सी हजरत इब्राहिम दा, मुड़ के नहीं वेखना। आख्या रब दा हुकम है, बाबा जी अल्लाह दे नबी ने सर हलाया, कलाम ने कीता गर्दन हलाई है, जनाबे हाजरा ने पुत्र नु चुकिया है, मुड़ के टुर गईयां ने अपने मकाम दी तरफ जा रही ने। अल्लाह दे नबी पहाड़ी तू थले उतरे ने, जुमले सुनिया ने। मुसलमान भाईओ, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ये पहाड़ी तू थले उतरे ने, वेखिया बीवी नजर नहीं आ रही, वेखिया इब्राहिम नजर नहीं आ रहा, अल्लाह दे नबी थले सवारी तू थले आए ने। हा के बाबा जी उधर मोह कीता है, मोह करके अल्लाह दे नबी ने हाथ चुक लेने, हाथ चुक के दुआ की है, वह दुआ अज कुरान विच आ गई है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, रब्बाना इन्नी
इजाजत नाली छोटा पुत्र ही छड़े आया या अल्लाह तेरे हुक्म नाले बीवी बिया बाण विच छड़े आया या अल्लाह इन्हां दी हिफाजत करनी आ या अल्लाह इन्हां दी निगहबानी करनी आ उत्तू आवाज आई इब्राहिम होए जा फलस्तीन चला जा हुण मैं जाना इस्माइल जाने हुण मैं जाना हुण हाजरा जाने इस पुरद रब दे करके गए ने हजरात तवज्जो फरमाया ने अल्लाह दी कसम दिल रोंदे ने बाबा जी कल्ली औरत होवे ते छोटा बच्चा होवे ए जूं जू सूरज डुबदा है अल्लाह दे नबी दी बीवी पुत्र नू सीने लांदी है ते रो के आंदी है वे इस्माइल अबू टुर गए नी वे तेरा बाप तेरे रब दी रज़ा वास्ते कल्ला छड़ गया है अल्लाह दी कसम रोण लियो जदों रात आ अंधेरा फैंदा है ओए अल्लाह दी बंदी जनाबे हाजरा पुत्र नू सीने लांदियां ने ओए पुत्र नाल प्यार ही करदियां ने ते की आंदियां ने जेड़ा लुट के ले गया है दिल मेरा हो फिर पराना नहीं आया है की करा हुन तरले मारनी हां यार मनाना नहीं आया हे रात पई जा रही कभी गहराई तक जाया रे हे कली बीबी है जिदी गोद विच अल्लाह दा नबी है हे बाबा जी दिन चढ़िया है पानी भी खत्म आ गया है खुराक भी खत्म आ गई है हे जनाबे हाजरा कभी इस्माइल वल वेंदिया ने ओए लोको मां माई आंदी जे है पुत्र तरफ है मां तरफ जांदी है पुत्र लर्ज मां लर्ज जांदी है पुत्र परेशान होवे मां परेशान होंदी है हर्ज कीती कल्ले ही छड़ के टुर गए है पानी भी कोल कोई नहीं है बाबा जी अल्लाह दा नबी पानी दे वास्ते तरफ रिया है हे अल्लाह दे नबी गोद विच पे तरफ दे ने हे अल्लाह दी बंदी जनाबे हाजरा ने जनाबे इस्माइल जमीन ते लटाया है हे जनाबे हाजरा तोड़ियां ने हुन मुसलमान जुमले जाया ना कर यार हे अल्लाह दी कसम सीने तरफ जांदे ने हे अल्लाह दी बंदी इक मां दौड़ी है हे पुत्र दी प्यास दी वजह तू दौड़ी है हे पुत्र दी दर्द दी वजह तू दौड़ी है हे बाबा जी कभी सफा तू मरवा दौड़दियां ने कभी मरवा तू सफा दौड़दियां ने दूर दूर नजर मारी है लगो पानी दा नाम निशान कोई नहीं ए सहरा पिया बाण विच मां ते पुत्र कल्ले ने हजरात तवज्जो फरमाया रे हे जनाबी हाजरा सफा तो मरवा कदी मरवा तू सफा कदी सफा तू मरा ओए मुसलमाना जनाबे इस्माइल दी अम्मी ने साथी चक्करी लाए ने हे सफा तू मरवा दौड़ दिया ने हे मरवा तू सफा दौड़ दिया ने हे बाबा जी मां ते माई आंदी है हे मां थक के जमीन ते डिगी है हे एक वारी पुत्र दी वल वेखिया है ते रो के आंदी वे इस्माइल तू ओथे मर जाई मैं इत्थे मर जावांगी वे पुत्रा मैं तेरा तड़पना बर्दाश्त नहीं कर सकदी वे पुत्रा तेरा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकदी हे सिख पुत्रा दी हे दादी होंदी हे बाबा जी अखां विच अथरू आ जांदे ने जनाबे हाजरा जमीन ते लेटियां ने बाबा जी सिर झुक के पुत्र नू वेंदियां ने हुण चलण दी भी कुवत कोई नहीं हुण दौड़न दी भी कुवत कोई नहीं आखण लगी पुत्रा तेरे साए ओथे पूरे हो जाने नी वे इस्माइल तेरी अम्मा ते साए ओथे पूरे हो जाने नी वे पुत्रा मैं
पानी लेके नहीं आ सकती। इस्माइल मेरी कोशिश निकाम हुई है। हे बाबा जी जिदू जनाबे हाजिरा हे सफा ते मरवा के दरम्यान डिग के रोई है। हे लोगो अल्लाह दा अर्श हिल गया, अल्लाह दा अर्श हिल गया है। अल्लाह फरमांदा जबरील आ जा, जबरील आ जा, रब्बा याद रोए। अल्लाह फरमांदा इब्राहिम मेरे सपुर्द करके गया है, या अल्लाह की करा। फरमाया इंसानी शक्ल विच चला जा, इस्माइल दे कोल खलो जा, जाके इस्माइल का अडिया रगड़, हाय अडिया रगड़ना तेरा कम आपे जम जम कड़ना इब्राहिम दे खुदा दा। इम्तिहान दिता ना फिर किस तरह दिता? उथे रो पई, आख्या साहब मुक जाने तेरी मां दे थे, एक कतरा पानी ने। जनाबे हाजरा ने बाबा जी सिर चुकिया ते पुत्र दे कोल एक बंदा नजर आया, उम्मीद जागी है। जी जी अंदरू सुनी गल, इथू नहीं अंदरू। उम्मीद जागी है, ए मां उठी है, ए खरामा खरामा चलदी पुत्र को लाई है। जदू जनाबे हाजरा इस्माइल को लाइया, बंदा गैब हो गया, ए बंदा ते गैब है। पर जिथे अल्लाह दा नबी अडियां प्या रगड़दा है, आए हाय हाय, जिथे अल्लाह दा नबी अडियां प्या रगड़दा है, होए बूंगे आलियो उथू पानी दे चश्मे पे निकल दे ने, उथू पानी पिया निकलदा है चश्मे पे निकल दे ने। हे मां दी बड़ी ऋषि दी इंतहा नहीं रही, हां के जदो पानी वेखिया है, बाबा जी अल्लाह दे नबी दी मां ने चार च फेरे। हे मिट्टी ते रेती बन्नी बनाई है, हे बन्नी बना के आखिया जम 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 जम, ए अबरानी जबान दा लफाज है जिदा माना रुक जा रुक जा। ओए अल्लाह दे नबी हाजरा ने आखिया, हे अल्लाह दे नबी दी मां हाजरा ने आखिया इत्थे ही रुक जा, बाबा जी पानी उत्थे ही रुक गया है। हे मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जे मेरी मां ना आंदी रुक जा, अल्लाह ने आबे जम जम दा दरिया बना देना सी। अल्लाह ने दरिया जारी कर छड़ने सन। बाबा जी जुमले सुनिया जे गल मुक गई, आबे जम जम नु जान दे, अज पता लग गया ना जम जम किन कहंदे किनो ने, वी जम जम दा पानी लै गया। आप दा मन पानी, जम जम इबरानी जुबान दा लफ्ज़ जी दा मन रुक जा। आपने दो बारी फरमाया जम जम रुक जा, इत्थे ही रुक जा, पानी अज भी उत्थे ही रुके है। आखिरी जुमला गल मुक गई, टाइम मुक गया, जुमले सुने बाबा जी जेडे उमरा ते हज करके होए हो, अल्लाह सानू सारे नू लै जाए, सफा ते मरवा ते क्यों दौड़ा लांदे हो? किसे मौलवी नू पुछ लो, जो वो तुहानू इन्ने मसले पुछदे ने, तुसी किसे नू पुछ लिया करो। वे कारी साहब ने अज मसला बयान किया सी, सरकार सानू दसो ते सही, ये हज ते उहदा जिक्र है, इबादत उहदी है। अल्लाह फरमांदा सत चक्कर लाओ, बुढ़िया नू माफ़ी है, बोलो औरतों नू माफ़ी है, औरत ते पड़दा है, अल्लाह उत्थे औरतों नू कहिंदा चलो चलो सफा तू मरवा, मरवा तू सफा, सत चक्कर मैं ला के आया। जेडे ला के आए तुहानू पता है अज ते एसी लगे ने ना, ओ 4000 साल पिछे जाओ, एक अल्लाह दी बंदी दौड़ी सी, अल्लाह नू बड़ा सोहना लगा। अल्लाह ने फरमाया हाजरा जी रब्बा हुक्म होवे, फरमाया तू पुत्र दी तड़प विच दौड़ी है, तू पुत्र दी प्यास विच दौड़ी है, या अल्लाह मैं मां वा, या अल्लाह बर्दाश्त नहीं होया। अल्लाह ने फरमाया नहीं हाजरा जे तू इस्माइल दी तड़प विच दौड़ी है फिर तन्नू मुबारक होवे, ओए तेरी नस्ल विच जेड़ा मुहम्मद आएगा ओदी उम्मत हज करन आएगी, जिन्ना तक असी मरत औरतां नूं इत्थे दुड़ाया ना असा हज ते उम्र कबूल करनी कोई नहीं।
क्यों दौड़ते हो जी इतने या कोई नफल होना फिर भी कही है इतने नफल पड़े जाने नफल नुफल कोई नहीं सिर्फ दौड़ना उसे बंद आर्डर है जो लकीर लगी है अज भी पहाड़ी का थोड़ा जा निशान मौजूद है जिथे हजरत ईसा ने उतरना तवज्जो फरमाया जी पहाड़ी का निशान मौजूद है उथे उन्हें गोल तारा किया बाबा जी सफा ते मरवा ते अल्लाह अज भी लोगों जुड़ा पे ये हजरत इस्माइल की अम्मी की याद ताजा हो रही है ये याद ताजा हो रही है क्या बात है कसम खुदा दी का नात आ लियो ये हज ते उमरा अल्लाह के नेक बंदियां दी सारियां निशानियां ने जिहड़ियां अल्लाह पूरियां करवा रहा टाइम मुकम्मल हो गया अगले जुमे इंशाअल्लाह गल इत्थों शुरू करांगे आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।